मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आमिर खान को यूं ही नहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अपनी फिल्म के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने शरीर के साथ खेल भी खेल सकते हैं। आमिर खान ने दंगल फिल्म के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया था। पहले खूब वजन बढ़ाया, टोन बाहर निकाली, उसके बाद फिर से स्लिम फिट हो गए, जबकि डॉक्टर ने उन्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करने की सलाह दी थी। फिल्म रिलीज हुई और रिजल्ट आपके सामने है। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर रही है। दंगल के बाद आमिर खान अब अपनी आगामी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तैयारी में जुट गए हैं। इस फिल्म के किरदार में सटीक बैठने के लिए आमिर खान खून की होली तो खेल ही रहे हैं, साथ ही दर्द भी सह रहे हैं। वो कैसे, आप ये खुद ही देख लीजिए। फिल्म के किरदार को आमिर खान ने इस कदर अपने जहन में बिठा लिया है कि अपनी नाक में नथुनी पहन ली है, कान में कई जगहों पर बालियां पहन रखी हैं और शरीर के कई पार्ट्स में वो खुद छेद भी करवा रखे हैं। आपको बता दूं कि ये सारी चीजें नकली नहीं हैं। आमिर खान ने वाकई में नाक और कान में पियर्सिंग करवाने के बाद राजस्थानी स्टाइल के आभूषणों को पहना है। बता दूं कि फिल्म में आमिर खान के साथ साथ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में है। इसके साथ ही आमिर के ऑपोजिट फातिमा सना शेख और कटरीना कैफ नजर आने वाली हैं। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आमिर खान के इस नए अंदाज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।